जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं और यूनिवर्सिटी के बीएड से संबंधित बैक पेपर के बारे में। बैक पेपर से संबंधित कुछ सवाल हैं बच्चों के मन में, जैसे कि बैक पेपर का फॉर्म कब आता है, लाइक कौन से महीने में आता है, कब फॉर्म भरा जाता है, या फिर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि बैक पेपर भरना चाहिए कि नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में अभी भी असमंजस में हो, दे आर इन डायलेमा कि दे शुड फिल द बैक पेपर फॉर्म और नॉट। सो वील टॉक अबाउट दिस थिंग्स एंड क्या नंबर बढ़ता है, सच में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि बैक पेपर फॉर्म भरने के बाद आपका नंबर नहीं बढ़े, पहले से कम आ जाए तो क्या होगा, या फिर आप एबसेंट हो गए तो क्या होगा, और मार्कशीट पर क्या लिख कर आएगा बैक पेपर। और एक और सबसे खास सवाल दोस्तों कि जो एक विषय में फेल हो अगर वो बैक पेपर ही ना भरे तो क्या होगा। ये मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। पिछली बार एक बच्चे का साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बैक पेपर ही नहीं भरा था और वो एक विषय में फेल थे। आपको पता है क्या हुआ, उनको फिर से फर्स्ट ईयर का पेपर देना पड़ा था। सो अगर आप एक विषय में फेल हैं या फिर आप एक विषय में एबसेंट रहे हैं तो आपको बैक पेपर जरूर भरना है। और अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया तो फिर तो अगले साल का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को कि बैक पेपर का फॉर्म कब आता है। जनरली जो बैक पेपर के फॉर्म होते हैं दोस्तों अप्रैल और मई के महीने में होते हैं, वो भी कब, जब सेशन लेट हो रहा था। तो इस बार मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्च और अप्रैल तक आपका बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं बीए बीएससी बीकॉम के, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं उस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बीएड का बैक पेपर भरा जाता है, राइट। सेकेंड सेमेस्टर से पहले, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले, तो मार्च और अप्रैल तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय तक आपके बीएड के बैक पेपर के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भरना है तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए ये तो टोटली डिपेंड करता है आपके विश पे, अगर आप भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते हैं। मैं आपको कुछ सिनेरियो समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सेकंड पेपर, सेकंड ईयर में जिन बच्चों का मार्कशीट आ गया है या सेकंड ईयर के जो बच्चे पास हो चुके हैं वो बैक पेपर के फॉर्म भरने से बचें, ये मेरी सलाह है, ठीक है। वो बैक, क्योंकि अभी मान लीजिए जो बच्चे बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं वो तो बिल्कुल ना भरें, क्योंकि आपको जॉब लगने वाली है, आई विश कि आपकी जॉब लग जाए। तो जो सेकेंड ईयर में क्लियर कर चुके हैं वो बैक पेपर से बचें अपने आप को। अन्यथा अगर आपके बहुत कम मार्क्स हो जाए, लाइक अगर आपके 35 नंबर आ गए हों या फिर अगर आपका 35 से भी कम है तो आप भर दीजिएगा। वरना क्वेश्चन अगर 40 प्लस या 42 इधर हो तो ठीक है, आप अवॉइड कर लीजिएगा। ओवरऑल आपका 80% या 75% तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात सेकेंड ईयर की। तो मैं यही कहता हूँ कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो चुका है सेशन, वो बैक पेपर का फॉर्म भरने से बचे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में भी सेम बात है दोस्तों, अगर आपका ओवरऑल परसेंट, मान लीजिए ओवरऑल जो आपका परसेंट है वो अगर 72 प्लस जा रहा है, ठीक है, 72 प्लस जा रहा है, मोस्टली चला ही जा रहा होगा, या फिर अगर आपका 76 प्लस, तो आप 76 प्लस है तो मत भरिए, मैं यही कहूँगा मत भरिए, ठीक है। 72 प्लस है और किसी विषय में बहुत कम है, लाइक 35 है या फिर हाँ इसके आसपास है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बैक पेपर से नंबर बढ़ता है, तो जी हाँ दोस्तों, मोस्टली बच्चों का बढ़ जाता है, लेकिन वो भी कभी जब आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा लिख कर आएंगे तब बढ़ता है, ऐसे नहीं कि बस गए और आगे तो बढ़ता है। लेकिन हाँ, जो अनुभव है, जो बच्चे बैक पेपर दे कर आए हैं उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। अच्छा, बैक पेपर फॉर्म भरने से पहले एक और चीज़ नोटिस करेगा, फर्स्ट ईयर में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, आपका 5 कॉमन सब्जेक्ट है, दो टोटल 7 सब्जेक्ट, राइट। तो अगर मान लीजिए आप 7 नंबर आपका बढ़ता है तो आपका 1% बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका 14 नंबर बढ़ता है तो 2% बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि 2% आपको चाहिए और 14 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, एक ही विषय में आप बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा विषय है जिसमें कम नंबर है और आप एटलीस्ट 21 नंबर उसमें और गेन कर सकते हैं, क्योंकि 21 नंबर गेन करना इतना आसान नहीं है, तो 21 नंबर गेन करेंगे तो आपका 3% बढ़ेगा, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। अगर आपका 75 प्लस परसेंटेज है तो अपने आप को बचाइए बैक पेपर से। बेटर है कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगा दीजिए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीपीएससी का टीचर का हो, चाहे टीजीटी का हो या फिर सेकेंड ईयर का हो। बेटर ये है कि आप इस एफर्ट को उसमें लगा दें, ठीक है। बैक पेपर से मैं सलाह देता हूँ कि बच्चे इससे बचे, लेकिन फिर भी अगर कम है तो एक पेपर का आप भर सकते हैं। अब एक बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी ने बैक पेपर फॉर्म भरा और वो एग्जाम अटैम्प्ट नहीं कर पाया या फिर पहले से उसके कम नंबर आ गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो पहले का मार्क्स है जो ज़्यादा है
वही आपके मार्कशीट पर रहेगा, आपका मार्क कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई बैक पेपर के फॉर्म भरने की। अब क्या बैक पेपर मार्कशीट पर लिख कर आता है कि भैया ये बैक पेपर के उपरांत? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरा जो मार्कशीट आएगा ना, उसमें आपके पांचों सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट का नहीं, उसमें पांचों सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी का अगर कोई भरता है तो उसके तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें अपडेट रहेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए एक खास रिक्वेस्ट कर दूँ, ये छोटी सी वीडियो थी बैक पेपर से संबंधित, एक खास मैं रिक्वेस्ट ये कर दूँ कि जिन बच्चों का एक पेपर ड्रॉप है, चाहे वो कम मार्क्स से फेल हो गए हों या एक एक सब्जेक्ट में एबसेंट रहे हों, वो बैक पेपर जरूर भरेंगे, मिस नहीं करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप मिस मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार एक बच्चे का मिस हो गया था तो फिर उनको दोबारा से पांचों पेपर देना पड़ा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैक पेपर अगर जिनका एक सब्जेक्ट में फेल है या एक सब्जेक्ट में वो एबसेंट रहे, बाकी फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जिनका ठीक ठाक परसेंटेज आ रहा है, 75 प्लस आ रहा है, तो इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 75 भी बीएड में बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। ठीक है, अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से कंपेयर करेंगे तो वहाँ के जो टॉपर होते हैं ना, उनके इतने परसेंटेज आते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप सबके 78-85 तो इसके बीच में ही होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो बैक पेपर से संबंधित ये एक छोटी सी सूचना थी, बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे कोई अपडेट आती है कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए जो भी बच्चे अगर बीपीएससी टीआरई में फॉर्म भर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो लोग सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भरते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।